अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना, ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊं तो तुम्हारे फोन की भी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे DLED BTC तृतीय सेमेस्टर समावेशी शिक्षा। जी हां दोस्तों, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे समावेशी शिक्षा के जितने भी पेपर की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न है तो उसको डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों ये वीडियो सीरीज की आज आप पार्ट टू देखने वाले। तो पार्ट वन में दोस्तों हमने देखा था बहुविकल्पीय प्रश्न। तो दोस्तों अगर पार्ट वन आपने ना देखा तो उसको देखिएगा, उसके बाद पार्ट थ्री में दोस्तों हम देखेंगे आपके लघु उत्तरीय प्रश्न। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। एक चीज और दोस्तों, अगर अभी आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो की हर एक नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और नोटिफिकेशन बेल को जरूर दोस्तों ऑन कर लीजिएगा, नहीं तो फिर नोटिफिकेशन मिल नहीं पाती। तो और इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर भी करिए। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को। पहला प्रश्न क्या रहा आपका कि समावेशी शिक्षा का अर्थ आपको बताना है। तो ऐसी शिक्षा जिसमें छात्रों को सार्थक शिक्षा अनुकूलतम पर्यावरण में उपलब्ध कराई जाए, जिससे वह अपने जीवन को सफल बना सके। दूसरा प्रश्न दोस्तों क्या रहा है, समावेशी शिक्षा के मुख्य ध्येय क्या है। तो शारीरिक रूप से अक्षमता वाले बालकों का पुनर्वासन करना, ठीक है ना। फिर अगला क्वेश्चन दोस्तों, समावेशी शिक्षा किस प्रकार के बच्चों पर अपनाई जाती है। तो इस प्रकार की शिक्षा कार्यशील बच्चे, ठीक है, बच्चों निम्न जाति के बच्चों आदि पर अपनाई जाती है। फिर अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या आपका कि शैक्षिक समावेशन का क्या अर्थ है। तो शैक्षिक समावेशन में उन सभी तथ्यों को सम्मिलित किया जाता है जो विशिष्ट बालकों पर लागू होते हैं। फिर अगला क्वेश्चन दोस्तों, समावेशी बालक किस प्रकार के होते हैं। तो वह बालक जो किसी भी शारीरिक अक्षमता के कारण सामान्य शिक्षा कार्यक्रम के लिए उपयुक्त नहीं होता, वह समावेशी बालक की श्रेणी में आता है। फिर अगला क्वेश्चन दोस्तों, विशिष्ट आवश्यकता वाले बालक से आप क्या समझते हैं। तो ऐसे बालक जिनका शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक विकास सामान्य बच्चों की तुलना में अलग होता है, विशिष्ट बालक कहलाते हैं। फिर अगला क्वेश्चन दोस्तों, अपवंचित बालक के कितने प्रकार हैं। तो दोस्तों इसके तीन प्रकार होते हैं। पहला सामाजिक रूप से वंचित बालक, दूसरा आर्थिक रूप से, तीसरा दोस्तों शैक्षिक रूप से वंचित बालक। फिर अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या है, पिछड़े बालक से आपका क्या ऐसे बताना है। तो जो छात्र निश्चित समय में निश्चित ज्ञान की प्राप्ति करने में असफल रहते हैं, सामान्य छात्रों से पीछे रहते हैं, उन्हें पिछड़े बालक माना जाता है। पिछड़ेपन का दोस्तों प्रकार बताना है कि भाई क्या प्रकार है। इसके आपके दो प्रकार होते हैं दोस्तों, वैयक्तिक और सामूहिक। सामान्य बच्चों की बुद्धि लब्धि कितनी होनी चाहिए, तो 290 से लेकर 110। प्रतिभाशाली बच्चों को की जो बुद्धि लब्धि होती कितनी होती है दोस्तों, वो 140 से अधिक होती है। पिछड़े बालक की एक विशेषता बताना है, सीखने की गति दोस्तों धीमा होना, ठीक है ना। अपवंचन क्या है, अपवंचन बाल्य जीवन की उद्दीपन दशाओं की न्यूनता है। फिर दृष्टिबाधित बालकों को कितनी श्रेणियों में बांटा जाता है। तो दोस्तों इनको दो भागों में बांटते हैं, आंशिक रूप से दृष्टिबाधित बालक और पूर्ण रूप से अंधे बालक। फिर अगला क्वेश्चन दोस्तों, आंशिक दृष्टिबाधित बालक कौन होते हैं। वह बालक जो बड़े अक्षरों को मुद्रित भाषा में या उत्तल दर्पण की सहायता से पढ़ सकते हैं। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन, आंशिक दृष्टिबाधित बालक की दृष्टि क्षमता कितनी होती है। तो दोस्तों इनकी जो दृष्टि क्षमता होती है वो 20 से लेकर 70 तक उत्तम आंक होती है। गंभीर दृष्टिबाधित जो बाधित बालक होते हैं उनकी दृष्टि क्षमता दोस्तों कितनी होती है। तो इनकी दृष्टि क्षमता 2/20 होती है, 2 से लेकर 20 तक कह सकते हैं। फिर दोस्तों दृष्टिबाधित बालकों को किस लिपि की सहायता से पढ़ाया जाता है। तो दोस्तों इसका अंतर होगा आपका ब्रेल लिपि। हकलाने के क्या कारण होते हैं, इसके दो कारण है। एक तो पहले वंशानुक्रम हो सकता है और दूसरा वातावरण। फिर श्रवण विकलांगता क्या है, किसी व्यक्ति द्वारा पूरी तरह से आवाज सुनने में अक्षम होना श्रवण विकलांगता कहलाता है। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या रहा आपका कि श्रवण विकलांगता के कितने प्रकार हैं। तो दोस्तों इसके देखिए निम्न प्रकार हैं। पहला दोस्तों आपका चालकीय श्रवण दोष, दूसरा संवैधानिक श्रवण दोष, तीसरा आपका मिश्रित श्रवण दोष, चौथा मध्यकर्ण श्रवण दोष और पांचवा है प्रकार्यात्मक श्रवण दोष। फिर सामान्य श्रवण बाधितों का सुनने का ध्वनि स्तर कितना होता है। तो दोस्तों 31 से लेकर 51 डीबी तक, डेसिबल। गंभीर श्रवण बाधितों जो बालकों का श्रवण बाधिता स्तर क्या है दोस्तों, इन बालकों में 70 से लेकर 89 डीबी तक की श्रवण बाधिता होती है। श्रवण बाधितों के वर्गीकरण का क्या आधार होता है, डेसिबल अंक। फिर पूर्ण श्रवण बाधित बालक में कितने डीबी तक की श्रवण बाधिता होती है, तो 290 डेसिबल डीबी। समस्यात्मक बालक किन्हें कहते हैं। देखिए समस्यात्मक बालक वह बालक है जिनके व्यवहार तथा व्यक्तित्व इस सीमा तक असामान्य होते हैं कि वे घर, विद्यालय तथा समाज में समस्याओं को उत्पन्न करने वाले होते हैं। फिर अगला क्वेश्चन दोस्तों, वाक दोष के प्रकार बताना है। तो दोस्तों इसके निम्न प्रकार होते हैं, आवाज की समस्या, प्रक्रियात्मक तथा उच्चारात्मक दोष, हकलाना, देर से बोलने वाले। फिर अगला क्वेश्चन दोस्तों, विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान कैसे की जाती है।
तो दोस्तों इनकी पहचान निम्न प्रकार से की जाती है। पहला पहला हो गया दोस्तों आपका शैक्षिक परिणामों के आधार पर, दूसरा मानसिक परीक्षण द्वारा, तीसरा व्यवहार के आधार पर और चौथा है शिक्षण के आधार पर। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या है, प्रतिभाशाली बालक की पहचान किस प्रकार हम कर सकते हैं। पहला आपका दोस्तों उपलब्धि परीक्षण द्वारा, दूसरा प्रणवत्ता परीक्षण द्वारा, तीसरा दोस्तों बुद्धि परीक्षाओं के द्वारा। अगला क्वेश्चन दोस्तों विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों को कितने वर्गों में बांटा जा सकता है। तो दोस्तों इसको हम चार शैक्षिक सामाजिक मानसिक तथा शारीरिक भिन्नता के आधार पर बांट सकते हैं, मतलब चार भागों में। समस्यात्मक बालकों की पहचान कैसे कर सकते हैं, तो देखिए निरीक्षण द्वारा, साक्षात्कार द्वारा, अभिभावकों से बातचीत के द्वारा। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, मानस मंद बालक कौन से हैं। वह बालक जिनकी मानसिक योग्यता औसत से कम होती है मानस मंद बालक कहलाते हैं। फिर अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या है, मंद बुद्धि वाले बालकों की बुद्धि लब्धि कितनी होती है, तो 70 से कम होती है। बुद्धि लब्धि से आपका क्या से दोस्तों क्या समझते हैं ये बताना है। मानसिक आयु तथा वास्तविक आयु के अनुपात में 100 से गुणा करने पर जो अंक प्राप्त होता है उसे बुद्धि लब्धि कहते हैं। अब इसका सूत्र भी दोस्तों इसी समय देख लेते हैं, बुद्धि लब्धि बराबर होता है मानसिक आयु ऊपर वास्तविक आयु नीचे गुणे 100। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन, शैक्षिक रूप से पिछड़े बालक से आप क्या समझते हैं। वह बालक जिसकी शैक्षिक या बुद्धि लब्धि आपकी 85 से कम हो। शैक्षिक रूप से पिछड़ेपन को कितने भागों में बांट सकते हैं, दोस्तों एक तो सामान्य पिछड़ापन, दूसरा विशिष्ट पिछड़ापन होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों मंद बुद्धि बालक का लक्षण बताना है। तो मंद बुद्धि बालक मूढ़ होता है, इसलिए उसमें सोचने समझने और विचार करने की शक्ति कम होती है। फिर मंद बुद्धि बालक कितने प्रकार के होते हैं, तो दोस्तों ये दो प्रकार के होते हैं, मना बालक और धीमी गति से सीखने वाले बालक। मानसिक पिछड़ेपन के आधार क्या है दोस्तों ये बताना है, तो शैक्षिक हो सकता है, सामाजिक और व्यवहारिक। फिर अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा क्या, इसको देखते हैं, बुद्धि लब्धि एवं सामाजिक सामर्थ्य को मापने के लिए किन विधियों को अपनाया जाता है। तो दोस्तों पहला बुद्धि परीक्षण, फिर समाजमितीय तकनीक, तीसरा अनुकूलित व्यवहार का मापन, चौथा व्यवहार निरीक्षण, पांचवा व्यक्ति इतिहास विधि और छठा संचयी अभिलेख। अभिवृत्ति क्या, इसको बताना था कि अभिवृत्ति किसी मनोवैज्ञानिक वस्तु से संबंधित धनात्मक या ऋणात्मक प्रभाव की मात्रा है। फिर अगला क्वेश्चन दोस्तों गणितीय ब्रेल कोड का क्या तात्पर्य है। दृष्टिबाधिता, जो बाधित छात्रों द्वारा ब्रेल के माध्यम से गणित सीखने के लिए एक कोड का प्रयोग किया जाता है दोस्तों, जिसे गणितीय ब्रेल कोड हम कहते हैं। फिर वास्तविक आयु से क्या है दोस्तों ये बतानी है, तो वास्तविक आयु से तात्पर्य उस आयु से जो उसकी बुद्धि परीक्षण देते समय होती है। बुद्धि परीक्षण कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों, तो ये आपके तीन प्रकार के होते हैं, पहला व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण, दूसरा सामूहिक बुद्धि परीक्षण और तीसरा है क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण। अगला क्वेश्चन ब्रेल लिपि क्या है। देखिए ब्रेल लिपि उभरे हुए 6 बिंदुओं की ऐसी लिपि है जिससे स्पर्श द्वारा पढ़ा लिखा जाता है। फिर अगला क्वेश्चन दोस्तों निर्देशन क्या है। निर्देशन एक व्यक्तिगत कार्य है जिसके द्वारा शिक्षार्थी को उसकी समस्याओं का समाधान करने के लिए प्रेरित किया जाता है। फिर दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, इसको देखते आइए कि परामर्श से आप क्या समझते हैं। तो परामर्श को स्व समायोजन की ऐसी प्रक्रिया माना जा सकता है जिसमें परामर्श लेने वाले को इस तरह सहायता दी जा सके कि वह पहले से अधिक स्वनिर्देशित व स्व उत्तरदायी बन सके। फिर अगला क्वेश्चन दोस्तों परामर्शदाता कौन होता है। तो परामर्शदाता वह व्यक्ति होता है जो कि छात्रों को सलाह देते हैं कि कोई भी कार्य किस प्रकार किया जाना चाहिए। फिर अगला क्वेश्चन दोस्तों परामर्श के रूप बताना है, संकटकालीन परामर्श, उपचारात्मक परामर्श, निवारक परामर्श और दोस्तों रचनात्मक परामर्श। अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या, परामर्श की कौन कौन सी विधियां हैं। तो दोस्तों इसकी निम्न विधियां हैं, पहला निर्देशात्मक परामर्श देना, अनिर्देशात्मक परामर्श देना और समन्वित परामर्श देना। अगला क्वेश्चन दोस्तों मार्गदर्शन से आप क्या समझते हैं। देखिए उचित राह से भटके व्यक्ति को सही मार्ग बताना ही मार्गदर्शन आपका कहलाता है। परामर्श में सहयोग करने वाले किन्हीं दो संस्थाओं का नामोल्लेख आपको करना है। तो दोस्तों पहला हो जाएगा मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश इलाहाबाद, दूसरा जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान में प्रशिक्षित डायट सेंटर। फिर दोस्तों हमारा अगला प्रश्न क्या है, जिला चिकित्सालय की विशेषज्ञ समिति का नेतृत्व किसके द्वारा किया जाता है। तो दोस्तों इसका आंसर होगा मुख्य चिकित्सा अधिकारी। फिर अगला क्वेश्चन दोस्तों उत्तर प्रदेश में मनोविज्ञान शाला कहाँ पर है। तो दोस्तों इसका आंसर होगा इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, या प्रयागराज आज का नाम है इसका नया। मनोविज्ञान शाला की स्थापना किस वर्ष में हुई थी। तो दोस्तों मनोविज्ञान शाला की स्थापना सन 1947 में हुई थी। मनोविज्ञान शाला का प्रमुख कौन होता है, तो पदेन निदेशक। मनोविज्ञान शाला की स्थापना किसने की थी, तो दोस्तों इसकी स्थापना आचार्य नरेंद्र देव ने की थी। फिर मनोविज्ञान शाला का प्रमुख कार्य बताना है, तो बाल तथा शैक्षिक निर्देशन करना। उत्तर प्रदेश में कितने मंडलीय मनोविज्ञान केंद्र स्थापित है, दोस्तों इसका आंसर होगा 10। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान या डायट की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई। तो दोस्तों जिला शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना भारत सरकार द्वारा सन 1986 में की गई थी।
निरीक्षण से आपका क्या तात्पर्य बताना है? देखिए, निरीक्षण का तात्पर्य परीक्षा लेना और परीक्षा का तात्पर्य है सरलता पूर्वक एवं आलोचनात्मक दृष्टि से जांच करना। फिर पर्यवेक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? छात्रों के विकास पर विशेष रूप से ध्यान देना। निरीक्षण कितने प्रकार का होता है? तो दोस्तों ये 3 प्रकार का है आपका, संशोधनात्मक, विरोधात्मक और रचनात्मक। फिर दोस्तों हमारा अगला प्रश्न क्या है कि निरीक्षण की प्रमुख विधियां कौन कौन सी हैं, ठीक है ना? तो दोस्तों इसका उत्तर क्या हो जाएगा कि विद्यालय में जाना, विद्यालय को नवीन आयामों की सूचना देना, प्रदर्शन पाठों का आयोजन। फिर कुछ गैर सरकारी संगठनों के नाम बताना दोस्तों, जैसे हो गया आपका CBSE, NCERT और दोस्तों ICSE। फिर दोस्तों प्रतिभाशाली बच्चों की शिक्षा व्यवस्था किस प्रकार से की जा सकती है? देखिए, प्रतिभाशाली बच्चों के लिए अवसरों की समानता होनी चाहिए, सामान्य बच्चों के साथ शिक्षा देकर आदि। अगला क्वेश्चन दोस्तों, शिक्षक प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण अवधि में समावेशी शिक्षा पर आधारित प्रशिक्षण के 2 उद्देश्य बताइए। अब देखिए, ये सब प्रश्न आपके डीएलएड में पहले पेपर में आ चुके हैं, अब उनको देखेंगे। वे समावेशी बालकों की क्षमताओं, रुचियों एवं समस्याओं से परिचित हो सके, वे समावेशी बालकों के प्रति धैर्यवान हो सके। फिर दोस्तों हमारा अगला प्रश्न क्या रहा कि समावेशी शिक्षा के अंतर्गत किस प्रकार के बच्चे आते हैं? देखिए दोस्तों, शारीरिक अक्षमता, मानसिक अयोग्यता, भावात्मक एवं व्यवहारिक विकारों, बौद्धिक भिन्नता वाले। फिर अगला क्वेश्चन दोस्तों, सामान्य बच्चों में कौन कौन सी मानसिक भिन्नताएं होती हैं? तो देखिए, धीमी गति से सीखने वाले, बुद्धि लब्धि का निम्न स्तर, ध्यान केंद्रण की समस्या, सृजन क्षमता की कमी। फिर अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या हमारा, सामान्य बच्चे की 2 विशेषताएं बतानी है। देखिए, बुद्धि सामान्य होती है तथा वह शारीरिक एवं मानसिक रूप से परिपक्व होते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, पिछड़े बच्चों से आपका क्या अभिप्राय है बताना है, जो अपने कार्य में अपने सामान्य साथियों से पीछे रहते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, बच्चे की वास्तविक आयु की गणना से संबंधित सूत्र लिखना है। तो वास्तविक आयु बराबर दोस्तों तो आपका मानसिक आयु बटे बुद्धि लब्धि गुणे 100। आंशिक रूप से शारीरिक अक्षम बच्चों के सभी प्रकार आपको लिखना है। देखिए, दृष्टिबाधित, वाणी बाधित, श्रवण बाधित और अस्थि बाधित। मध्यम रूप से दृष्टिबाधित व्यक्ति के नेत्रों को देखने की क्षमता दोस्तों कितनी होती है? तो 20 से 70 या 20 से 200। वाक् दोष का अर्थ आपको स्पष्ट करना है। जब बालक अपने भावों को या विचारों को अपने शब्दों के माध्यम से स्पष्ट रूप से प्रकट नहीं कर पाता है, इसको वाक् दोष कहते हैं। अष्टबाधित बच्चों की पहचान से संबंधित लक्षण लिखना है। देखिए दोस्तों, मेरु रज्जु का वक्र होना, विकृत नितंब, पाव फिरा, दैनिक क्रियाओं में समस्या आना, हाथ पैर या शरीर के किसी अंग का विकृत होना। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन, असुविधा संपन्न समूह के अंतर्गत किस समूह के बच्चे आते हैं? तो गरीब, अनाथ, श्रमिक आदि के बच्चे। अगला क्वेश्चन दोस्तों, निर्देशन एवं परामर्श किन दृष्टिकोणों से आवश्यक है? बालकों के भविष्य का मार्ग प्रदर्शित करने में, बालकों में निर्णय लेने की क्षमता विकसित करने में। फिर परामर्श के क्या उद्देश्य ये बताना है। व्यक्ति को उसके व्यवहार या अभिवृत्तियों में परिवर्तन लाने के लिए सहायता करना। फिर अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या है, DGP का पूरा नाम लिखते हुए इसका आशय स्पष्ट कीजिए। डिजिटल गाइडलाइंस साइकोलॉजी। फिर दोस्तों पर्यवेक्षण क्या आवश्यक है स्पष्ट करना है, ठीक है ना? तो विद्यालय की गतिविधियों का मूल्यांकन करने में तथा अध्यापकों की कार्यकुशलता बढ़ाने में। अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या है, अन्वेषण विधि की खोज किसने की है? तो दोस्तों प्रोफेसर H.E. आर्मस्ट्रांग ने। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या है, 50 से 60 बुद्धि लब्धि वाले बच्चों को किस श्रेणी में रखा जाता है? तो दोस्तों इसका अंतर होगा मूर्ख। वाणी बाधित बच्चे कौन होते हैं? ऐसे बालकों को वाक विकलांग कहा जाता है। हकलाना, तुतलापन, धीरे धीरे अटक कर बोलना, नाक के सुर से बोलना इत्यादि, इसे वाणी दोष कहते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या, श्रवण विकलांगता के कितने प्रकार होते हैं? इसके आपका आंसर होगा 4। एल्फ्रेड बिने ने पहला बुद्धि परीक्षण कब किया था? तो दोस्तों वर्ष 1905 में। बुद्धि परीक्षण हेतु निर्धारित सूत्र लिखिए। बुद्धि लब्धि बराबर क्या होता है, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100। तो इसको याद रखना है कि मानसिक आयु हमेशा ऊपर होती, नहीं तो कभी गलती से आप लोग, ठीक है ना, तो वास्तविक आयु नीचे रहेगा, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन क्या हमारा कि परामर्श की 2 विधियों का दोस्तों नाम लिखना है। तो पहला निर्देशात्मक परामर्श और अनिर्देशात्मक परामर्श। फिर अगला क्वेश्चन दोस्तों, समावेशी शिक्षा का क्या अर्थ है? तो समावेशी शिक्षा से अभिप्राय कि छात्रों को सार्थक शिक्षा अनुकूलतम पर्यावरण में उपलब्ध कराई जाए, जिससे वे अपने जीवन को सफल बना सके। इसमें योग्यता, शारीरिक अक्षमता, भाषा, संस्कृति, पारिवारिक पृष्ठभूमि तथा उम्र किसी प्रकार का अवरोध पैदा न कर सके। अगला क्वेश्चन दोस्तों, मंद बुद्धि वाले बच्चों की मानसिक विशेषता बतानी है। देखिए, मंद बुद्धि बच्चों की मानसिक विशेषता इस प्रकार है, बुद्धि लब्धि सामान्य बालकों से कम होती है, जन्मजात मानसिक क्रियाएं सामान्य बालकों की अपेक्षा कम होती है, स्मृति विस्तार, ध्यान विस्तार कम होता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, निर्देशन का अर्थ आपको स्पष्ट करना है। निर्देशन एक व्यक्तिगत कार्य है जिसके द्वारा शिक्षार्थी को उसकी समस्याओं का समाधान करने के लिए प्रेरित किया जाता है। निर्देशक समस्याओं का समाधान स्वयं नहीं करता है,
वरन ऐसी विधियां बताता है जिनका प्रयोग करके बालक व्यक्ति उन समस्याओं को स्वयं सुलझा सकता है। अगला क्वेश्चन, वंचन या का क्या अर्थ होता है? दोस्तों देखिए, वंचन जीवन की वह ऋणात्मक दशा है जो मानव मानव क्षमताओं के विकास में बाधक होती है, किसी चीज से रहित, ठीक है ना। समस्यात्मक व्यवहार के कौन से कारण हैं? तो पहला दोस्तों आपका आता है अनुवांशिक कारण, बुद्धि दुर्बलता, विरासत में मिले दुर्व्यसन, शारीरिक कारण, बारापन, अंधापन, गंजापन, कम दिखाई देना या ऊंचा सुनना। अगला दोस्तों हो गया संवेगात्मक कारण, अंगूठा चूसना, बिस्तर गीला करना, चिड़चिड़ापन। सामाजिक कारण दोस्तों, निम्न सामाजिक आर्थिक स्थिति, उचित देखरेख का अभाव, माता पिता के मध्य टूटते संबंध, बड़े सदस्यों की बुरी आदतें आदि। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन, क्या सामाजिक निर्देशन से आप क्या समझते हैं ये बताना है। देखिए, सामाजिक निर्देशन का अर्थ होता है सामाजिक परिपक्वता, अच्छी आदतें तथा पक्षपात को दूर करना और अच्छे मूल्यों को सीखना। फिर छात्रों को निर्देशन प्रदान करने वाली दो विधियों को दोस्तों हमें नाम लिखना है। तो निर्देशन प्रदान करने वाली 5 विधियां हैं, व्यक्तिगत, तालिका सेवा, सूचना सेवा, परामर्श सेवा, स्थापना सेवा और अनुवर्तन सेवा। फिर प्रतिभाशाली बच्चे किन्हें कहते हैं? देखिए, प्रतिभाशाली बालकों की बुद्धि सामान्य बालकों से अधिक होती है। मनोवैज्ञानिक के अनुसार जिनकी बुद्धि लब्धि 140 से अधिक होती है वे प्रतिभाशाली बालक कहलाते हैं। कुछ बालकों की बुद्धि लब्धि 180 से लेकर 190 तक हो सकती है। फिर दोस्तों बात आती है आपके समावेशी शिक्षा से आप क्या समझते हैं ये आपको डिफाइन करना है, बताना है। तो समावेशी शिक्षा से अभिप्राय है कि छात्रों को सार्थक शिक्षा अनुकूलतम पर्यावरण में उपलब्ध कराई जाए जिससे वे अपने जीवन को सफल बना सके। इसमें योग्यता, शारीरिक अक्षमता, भाषा, संस्कृति, पारिवारिक पृष्ठभूमि तथा उम्र किसी प्रकार का अवरोध पैदा ना कर सके, ठीक है ना। अब दोस्तों उसके बाद बात करेंगे, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि अपवंचित बालकों से क्या अभिप्राय है। देखिए, अपवंचित बालक वे हैं जिन्हें वे सुविधाएं ना मिल रही हो जो उन्हें मिलनी चाहिए अथवा उनकी श्रेणी के अन्य साथियों को मिल रही हो, जैसे आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक सुविधा से वंचित बालक तथा भाषा, धर्म, जाति, क्षेत्र, वर्ग, लिंग के कारण अपवंचित छात्र। फिर दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, प्रतिभाशाली बालकों की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? मनोवैज्ञानिकों के अनुसार जिनकी बुद्धि लब्धि 120 से अधिक होती है वे प्रतिभाशाली बालक कहलाते हैं। कुछ बालकों की बुद्धि लब्धि 180 से लेकर 190 तक हो सकती है, ठीक है ना। फिर दोस्तों बात आती है दृष्टिबाधित बालकों की शिक्षा किस प्रकार की होनी चाहिए। तो दृष्टिबाधित बालकों की शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए कि ये बालक दृष्टिबाधित होते हुए भी समाज में समुचित समायोजन स्थापित कर सकें। दृष्टिबाधितों के लिए लिखित अभिव्यक्ति के रूप में ब्रेल लिपि महान उपलब्धि है। 6 विभिन्न उभरे हुए बिंदु संकेतों के माध्यम से यह लिपि मोटे कागज पर अंकित की जाती है। दोनों हाथों की अनामिका के अग्रभाग से बिंदु संकेतों को स्पर्श करके अक्षर संकेतों को जाना जाता है। फिर दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन, बुद्धि लब्धि किसे कहते हैं? सोदाहरण से स्पष्ट करना है। तो यार बुद्धि लब्धि पढ़कर जाइएगा, कोई ना कोई क्वेश्चन तो आने वाला है। देखिए, बुद्धि लब्धि बालक या व्यक्ति की सामान्य योग्यता के विकास की गति बताती है। कोल एवं ब्रूस के अनुसार बुद्धि लब्धि यह बताती है कि बालकों की मानसिक योग्यता किस गति से विकास हो रहा है, ठीक है ना। मानसिक योग्यता में जैसे किसी बालक की मानसिक आयु 10 वर्ष और वास्तविक आयु 208 वर्ष है तो उसकी बुद्धि लब्धि आपकी 125 हो जाएगी, ठीक है ना। तो आपने फार्मूला पढ़ा था दोस्तों, क्या होता है मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु, मतलब 10 बटे हो जाएगा ये 8 गुणे 200 होता है 100, ठीक है ना। कहाँ से आया इसको भी समझ लीजिए, 4 दुनी 8, 4 दुनी 8, 4 पंजे 20, फिर 2 पंजे 10, 25 गुणे 5 करेंगे दोस्तों हो जाएगा आपका 125। तो 125 दोस्तों यहाँ से आया था आपका बुद्धि लब्धि, नहीं तो आप कंफ्यूज हो कि 125 आया कहाँ से। अगला क्वेश्चन दोस्तों, विशिष्ट बालकों की 2 विशेषताएं आपको बतानी है। देखिए, विशिष्ट बालकों की प्रमुख विशेषता है कि वे कक्षा के सामान्य स्तर के बालकों के साथ समायोजित नहीं हो पाते। यह बालक प्रतिभावान, ठीक है, प्रतिभावान भी होते हैं और मंद बुद्धि भी। विशिष्ट बालकों में निम्न विशेषताएं होती है, भिन्नता, विचलन, आयाम और नियमित शिक्षण। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या रहा आपका कि सृजनात्मक बालकों की पहचान हेतु किए जाने वाले किन्हीं 2 परीक्षणों का उल्लेख करना है। तो दोस्तों चलिए देखते हैं, ये 3 प्रकार के होते हैं, शाब्दिक, अशाब्दिक और शाब्दिक अशाब्दिक। सामान्य सृजनात्मक परीक्षण, भाषा सृजनात्मक परीक्षण, गणित सृजनात्मक परीक्षण, ठीक है ना। फिर दोस्तों देखिए, शैक्षिक पिछड़ेपन के 2 कारणों को लिखना है आपको। तो देखते कौन कौन से दोस्तों, एक तो निम्न सामान्य बुद्धि और दूसरा परिवार का वातावरण। इनके अतिरिक्त शारीरिक दोष हो गया दोस्तों, वंशानुक्रम हो गया, परिवार की निर्धनता आदि कारण भी है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, समस्यात्मक बालक किसे कहते हैं? देखिए, समस्यात्मक बालक वे होते हैं जिनका व्यवहार गंभीर रूप से असाधारण होता है, जैसे चोरी करने वाले, झूठ बोलने वाले बालक। बाल अपराध रोकने हेतु 2 उपाय को दोस्तों बताना है। देखिए, घर, विद्यालय तथा समाज में बालक को आवश्यक
आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराना, ठीक ना, करना, अपराधियों की संगत से दूर रखना, उनकी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के साधन जुटाना बाल अपराध रोकने हेतु आवश्यक है। अभिभावकों को इस हेतु निर्देश भी दिए जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्या निर्देशन का अर्थ स्पष्ट करते हुए परिभाषित करना है आपको। निर्देशन एक व्यक्तिगत कार्य है जिसके द्वारा शिक्षार्थी को उसकी समस्याओं का समाधान करने के लिए प्रेरित किया जाता है। निर्देशक समस्याओं का समाधान स्वयं नहीं करता, वरन ऐसी विधियां बताता है जिनका प्रयोग करके बालक व्यक्ति इन समस्याओं को स्वयं सुलझा सकता है। अब दोस्तों अगला प्रश्न क्या रहा हमारा, समावेशी शिक्षा सामान्य शिक्षा से किस प्रकार भिन्न है ये बताना है। समावेशी शिक्षा शारीरिक, मानसिक या प्रतिभाशाली तथा विशिष्ट गुणों से युक्त विभिन्न बालकों पर अपनाई जाती है, लेकिन यह शिक्षा सामान्य बालकों को शिक्षण नहीं देती। समावेशी शिक्षा सामान्य बालकों की शिक्षा से सर्वथा भिन्न है। इस शिक्षा में ऐसे घटकों को सम्मिलित किया जाता है जो सामान्य बालकों के कार्यक्रमों के साथ साथ विशिष्ट भी होते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, निर्देशन के दो प्रमुख उद्देश्य आपको बताना है। तो पहला दोस्तों हो जाएगा स्कूल में समायोजन में सहायता करना, निर्देशन का मुख्य उद्देश्य होता है। दूसरा दोस्तों हो जाएगा छात्रों में उनकी रुचि के अनुरूप विषयों का चयन करने में सहायता देना। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन, परामर्श का अर्थ स्पष्ट करना आपको। देखिए डॉक्टर जुएल के अनुसार परामर्श एक प्रकार की राय देना है जहाँ व्यक्ति स्वयं निर्णय लेने में सक्षम नहीं होता। निर्देशन एवं परामर्श में दो प्रमुख अंतर आपको बताना है। तो दोस्तों चलिए इसके अंतर को देखते हैं। निर्देशन सामूहिक व व्यक्तिगत दोनों प्रकार का हो सकता है, जबकि परामर्श एक ही समय में एक ही व्यक्ति के लिए उपलब्ध होता है। निर्देशन में व्यक्ति को समस्या समाधान के योग्य बनाया जाता है, जबकि परामर्श के माध्यम से व्यक्ति को आत्मनिर्देशन हेतु सक्षम बनाया जाता है। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन, पर्यवेक्षण के कोई दो प्रकार आपको लिखना है। तो दोस्तों पहला हो जाएगा आपका निरीक्षात्मक, ठीक है ना, अथवा संशोधात्मक पर्यवेक्षण। यह पर्यवेक्षण का परंपरागत स्वरूप है। इसमें पर्यवेक्षण अधिकारी सर्वज्ञाता माना जाता है तथा पर्यवेक्षक का मुख्य उद्देश्य केवल त्रुटियों का पता लगाना होता है। फिर दोस्तों दूसरा पॉइंट क्या आपका, कि नियंत्रणात्मक पर्यवेक्षण। देखिए नियंत्रणात्मक पर्यवेक्षण प्रधानाध्यापक एवं शिक्षकों की कठिनाइयों को जानने के लिए होता है। पर्यवेक्षक शिक्षकों की कठिनाइयों के निराकरण में सहयोग देता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, डायट के कोई दो विभागों के आपको नाम लिखना है। तो पहला दोस्तों हो जाएगा सेवा पूर्व प्राथमिक शिक्षा शिक्षक प्रशिक्षण विभाग PST। दूसरा दोस्तों सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण क्षेत्र अंतःक्रिया नवाचार समन्वय IFIC। परामर्श को एक परिभाषा लेखक के नाम से दोस्तों लिखना है। तो दोस्तों देखिए परामर्श की परिभाषा रॉबिन्सन के अनुसार परामर्श दो व्यक्तियों के संपर्क की उन सभी स्थितियों का समावेश होता है जिसमें एक व्यक्ति को उसके स्वयं के एवं वातावरण के मध्य प्रभावशाली समायोजन प्राप्त करने में सहायता दी जाती है। फिर अगला क्वेश्चन दोस्तों, वाक् दोष का आपको अर्थ स्पष्ट करना है। तो वाक् दोष, विकलांग बालकों में वाणी दोष वाले बालक भी बहुत होते हैं। वाणी दोष वाले बालक या तो ठीक प्रकार बोल नहीं पाते अथवा उनके द्वारा बोली गई बात श्रोता भली भांति समझ नहीं पाते अथवा देर से समझते हैं। तो दोस्तों देखिए बोलने के दोष प्रमुख है। उच्चारण संबंधी दोष हो सकता है, देर से बोलने का दोष, हकलाना, ओष्ठ विकृति, आवाज की समस्या या श्रवण विकृति। फिर अगला प्रश्न दोस्तों, बाल अपराध के कोई दो कारण आपको बताने। देखिए बाल अपराध, देखिए बाल अपराध एक सामाजिक कारण है। एक तो पारिवारिक कारण हो सकता है दोस्तों, दूसरा भौतिक वंशानुक्रम। फिर डाइट के कोई दो उद्देश्य आपको बताना है। देखिए शिक्षण अधिगम सामग्री का विकास करना और औपचारिक एवं अनौपचारिक शिक्षा के बीच की दूरी घटाकर इसमें एकात्मक स्थापित करना। फिर विद्यालय पर्यवेक्षण के क्षेत्र आपको बताने, पर्यवेक्षण की निदानात्मक भूमिका, ठीक है, पहला पॉइंट। पर्यवेक्षण का मार्गदर्शन संबंधी भूमिका दूसरा पॉइंट है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, निरीक्षण प्रणाली में सुधार के कोई दो सुझाव लिखना है आपको। तो पहला हो जाएगा सरकारी निरीक्षक विद्यालय में के अभिलेखों, सरकारी अनुदान के उचित प्रयोग, वित्तीय मामलों की व्यवस्था तथा सरकारी निर्देशों के पालन के अतिरिक्त शैक्षिक कार्यक्रम का भी जांच करें। दूसरा बिंदु दोस्तों है कि निरीक्षकों की नियुक्ति करते समय उनकी योग्यता एवं अनुभव को ध्यान में रखा भी जाना चाहिए। फिर अगला क्वेश्चन दोस्तों, अधिगम अक्षमता वाले बालकों के दो प्रकार आपको बताने। तो इसको देखते हैं दोस्तों, पहला हो जाएगा आपका सामान्य अधिगम अक्षमता, दूसरा जटिल अधिगम अक्षमता। अगला क्वेश्चन दोस्तों, धीमी गति से सीखने के कौन से कारण है। एक तो आर्थिक परिस्थिति हो सकता है, परिवार के सदस्यों का मानसिक स्तर हो सकता है, संवेगात्मक घटक और व्यक्तिगत घटक। अगला क्वेश्चन दोस्तों, एक अध्यापक दृष्टि बाधक बच्चे की पहचान कैसे करेगा। तो पहला पॉइंट दोस्तों, अध्यापक दृष्टि बाधित बालकों में नेत्रहीन बालकों को आसानी से पहचान सकता है। दुर्बल दृष्टि बालकों की पहचान हेतु उनकी चिकित्सा जांच कराकर की जा सकती है।
फिर दोस्तों हमारा अगला प्रश्न क्या रहा, समावेशी बालक किस प्रकार के होते हैं? देखिए शैक्षिक समावेशी से प्राय अभिप्राय उन सभी छात्रों को प्रदान की जाने वाली शिक्षा है जो अपवंचित वर्ग, भाषा, धर्म, जाति, क्षेत्र, वर्ग, लिंग तथा शारीरिक एवं मानसिक दक्षता से ग्रसित है। इस प्रकार के छात्र प्रतिभाशाली एवं शारीरिक रूप से अक्षम दोनों रूप में हो सकते हैं। फिर अगला क्वेश्चन दोस्तों अपवंचन क्या है ये बताना। देखिए अपवंचन गार्डन के अनुसार वंचित होना बाल्य जीवन की उद्दीपक दशाओं की न्यूनता है। फिर अगला क्वेश्चन दोस्तों शैक्षिक समावेशन से क्या आपका क्या आशय है? शैक्षिक समावेशन में उन सभी तथ्यों को सम्मिलित किया जाता है जो विशिष्ट बालकों पर लागू होते हैं, अर्थात समावेशी शिक्षा शारीरिक, मानसिक व प्रतिभाशाली व विशिष्ट गुणों से युक्त विभिन्न बालकों पर अपनाई जाती है। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा क्या रहा कि मानसिक रूप से मंद बालक किसे कहते हैं? देखिए मानसिक मंद का अर्थ होता है औसत से कम मानसिक योग्यता। मानसिक मंद बच्चों की बुद्धि लब्धि सामान्य बालकों की बुद्धि लब्धि से कम होती है, अतः उनमें विभिन्न मानसिक शक्तियां कम विकसित होती है। इन्हें अधिगम अक्षमता वाले बालक भी हम कह सकते हैं। फिर दोस्तों अगला प्रश्न हमारा क्या रहा, दृष्टि दोष से ग्रसित बालकों की दो विशेषताएं आपको बतानी है। तो चलिए इसकी विशेषताएं देखते हैं। दृष्टिबाधितों की मानसिक योग्यता, ये बालक मानसिक योग्यता की दृष्टि से सामान्य बालकों से कम नहीं होते। दृष्टिबाधित बालकों की भाषा का विकास, ये भाषा दोषी नहीं होते, सुनना तथा बोलना इनकी भाषा के प्रमुख कौशल है। तीसरा बिंदु दोस्तों दृष्टिबाधितों के सामाजिक व समायोजन संबंधी कार्य, इनमें व्यक्ति व्यक्तित्व की समस्याएं आंतरिक नहीं होती है। फिर दोस्तों बात करेंगे अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग कि निर्देशन को परिभाषित करना है। निर्देशन एक व्यक्तिगत कार्य है जिसके द्वारा शिक्षार्थी को उसकी समस्याओं का समाधान करने के लिए प्रेरित किया जाता है। निर्देशन समस्याओं का समाधान स्वयं नहीं करता, वरन ऐसी विधियां बताता है जिनका प्रयोग करके बालक उन समस्याओं को स्वयं सुलझा सकता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों परामर्श में सहयोग देने वाले किन्हीं दो संस्थाओं के आपको नाम लिखने हैं। पहला हो जाएगा आपको मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश इलाहाबाद, दूसरा मंडलीय मनोविज्ञान केंद्र, और चौथा दोस्तों जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान। अगला क्वेश्चन दोस्तों समावेशी बालकों का अधिगम जानने हेतु प्रयोग किए जाने वाले 2 करोड़ों को नाम बताना दोस्तों। बुद्धि लब्धि परीक्षण हो गया, व्यक्तिगत परीक्षण, बुद्धि परीक्षण और सामूहिक बुद्धि परीक्षण। फिर परामर्श से दोस्तों आप क्या समझते हैं ये बताइए। तो डॉक्टर जुमाल के अनुसार परामर्श एक प्रकार की राय देना है जहां व्यक्ति स्वयं निर्णय लेने में सक्षम नहीं होता है। फिर अगला क्वेश्चन दोस्तों टीएलएम से क्या आते हैं? देखिए टीएलएम का फुल फॉर्म होता है टीचिंग लर्निंग मटेरियल, शिक्षण अधिगम सामग्री। फिर अगला क्वेश्चन दोस्तों परामर्श में सहयोग के संबंध में निरीक्षण तंत्र से आपका क्या आशय ये आपको बताना है। तो निरीक्षण की इस प्रक्रिया में निरीक्षणकर्ता विद्यालय जाता है और विद्यालय की विभिन्न गतिविधियों का अवलोकन करता है। यदि उनमें कोई दोष है तो उनको वह ढूंढता है और रिकॉर्ड तैयार करता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या आपका पैलन पर्यवेक्षण से आप क्या समझते हैं ये बताना है। कुछ व्यक्तियों के समूह द्वारा पर्यवेक्षण किया जाता है उसे हम कहते हैं पैनल, ठीक है ना, पैनल पर्यवेक्षण, ज्यादा इसमें डरने वाली बात नहीं है, उन्हें दोस्तों पर्यवेक्षण कहा जाता है। पैनल का यह समूह शिक्षा विभाग के अधिनियमों के अंतर्गत किया जाता है। हम दोस्तों देखते हैं आज का अंतिम प्रश्न कि विशेष विद्यालय से आपका क्या आशय ये बताना है। विशेष विद्यालय वे होते हैं जहाँ विशिष्ट बालकों की शिक्षा का विशेष प्रबंध होता है, जैसे वाणी बाधित बालकों के लिए विशेष यंत्रों की सुविधा होती है, जैसे चित्र दिखाकर धारा प्रवाह भाषा बुलवाई जाती है। दृष्टि बाधित में आंशिक बाधित बालकों को उत्तल दर्पण, चश्मे तथा दृष्टि यंत्रों की सहायता से शिक्षा दी जाती है। विशेष विद्यालय के चित्र, आकृतियां, मॉडल, संकेत, शब्द, मानचित्र तथा अन्य सहायक सामग्रियों से शिक्षा दी जाती है। तो दोस्तों ये वीडियो आज हमारी यहीं पर समाप्त होती है। तो इस वीडियो के बाद आपको एक काम करना है, तुरंत आपको इस वीडियो जैसे समाप्त हो तुरंत दोस्तों आपको पार्ट 1 देखना है और पार्ट 3, ठीक है। पार्ट 1 में दोस्तों आपके बहुविकल्पी क्वेश्चन है, पार्ट 3 में आपके लघु उत्तरीय प्रश्न है। जब आप इन सबको देख लेंगे तो दोस्तों आप पेपर के लिए पूरी तरीके से तैयार होंगे। तो चलिए आप पेपर के लिए सभी बच्चों को ऑल द बेस्ट, ठीक है ना। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर हैं तो दोस्तों चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके, और इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करिए। चलिए फिर मिलते हैं, स्टे कनेक्टेड और ऑल द बेस्ट आपको पेपर के लिए।